झांसी में मानसून शुरू हो चुका है, अभी कुछ खास बारिश भी नहीं हुई है। उसके बावजूद कब्रिस्तान के पश्चिमी गेट के पास नाला पूरी तरह से पानी के बहाव में बह गया, जिससे अब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल गिरने का खतरा मंडराने लगा है। फिरोजाबाद में सीएमओ ऑफिस से संचारी रोगों के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष आसीजा रहे। उन्होंने कहा, संचारी रोगों के प्रति जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाले समय में संचारी रोगों के बारे में लोगों को जागरूकता लाई जाएगी और बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना और उससे बचाव के बारे में बताया जाएगा। तीरवा कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिला को पीटा, पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जिले में धूमधाम से अखिलेश यादव का जन्मदिवस मनाया गया। पार्टी कार्यालय में सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश किसानों की आवाज है, वहीं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर जिले में लाखों पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के देश भर में लागू होने के बाद जनपद के सभी थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया गया। भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद कोतवाली भिनगा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जिले के उद्योग बंधु व नगर ग्रामीण क्षेत्र गणमान्य लोगों ने शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी। सरकारी विद्यालय में नवाचार शिक्षक मोहन लाल सुमन की देखरेख में बच्चों ने खिलाड़ियों के नाम पर पेड़ लगा कर की, साथ ही पेड़ को सुरक्षित रखने की भी शपथ ली। इस दौरान सभी बच्चे हाथों में भारत की विजेता टीम के खिलाड़ियों के पोस्टर लिए हुए नजर आए। देश में लागू हुए 3 नए कानूनों के बारे में जनपद में सभी थाना मुख्यालयों पर संगोष्ठी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने 3 नए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी दी। सहर थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में मामूली बात को लेकर पति समेत ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित ने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर पुलिस को शिकायत पत्र दिया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। कलेक्टर परिसर में डीएम, बीजेपी विधायक और जिलाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वैन को रवाना किया। बता दें, इस अभियान के तहत 1 से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण व 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में कुछ दिन पहले घर में बुजुर्ग को बंधक बनाकर व तमंचे की नोक पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी हुई कुछ रकम और एक आईफोन भी बरामद किया गया। नए कानूनों की जानकारी के लिए जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान SP ने कहा कि नए कानून अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता खत्म करेंगे। IPC की जगह BNS, CRPC की जगह BNSS और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू। SP बोले, नए कानूनों का मकसद सजा देना नहीं, न्याय सुरक्षित करना है। प्रयागराज जिले में नए कानून को लेकर पुलिस उपायुक्त गंगानगर अभिषेक और पुलिस आयुक्त ने नवाबगंज थाना पर गोष्ठी का आयोजन कर पुलिसकर्मियों व जनमानस को 3 नए कानूनों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगरा थाना शमशाबाद में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पहला मुकदमा दर्ज हुआ। घर में चोरी के मामले में 4 अज्ञात चोरों पर BNS की धारा 305A, 331 4 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उरे कोतवाली क्षेत्र के हेडक्वार्टर होटल में दीवार कूदकर होटल से कुकर चोरी करके ले जा रहे 2 नाबालिग बच्चों को होटल संचालक ने पकड़ लिया और दोनों बच्चों के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।